हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने ज़िंदगी में। तो गाइस, मैं बता दूं तो मैं आज बरवे नगर आ गया हूं दोस्तों, जहां पर कि पूरे शिव परिवार का मूर्ति स्थापित किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं दोस्तों। वह करीब 2-3 दिन चला गाइस, करीब मेला जैसे भीड़ हो गया था। और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं गाइस। हमारे पूर्व विधायक श्री कमलेश उराव जी यहाँ पर तो पूजा में जितने भी हमारे आमंत्रित भी थे। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चला, फंक्शन चला गाइस, और कुछ भीड़ था गाइस। हम लोग के जाने से पहले ही वो भीड़ थोड़ा सा कम हो गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सजावट किया गया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग कुछ मतलब लेट में पहुंचे गए, जिसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सजावट कैसा है, थोड़ा सा अभी भीड़ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये नया मंदिर है गाइस, नया मंदिर है जिसमें कि मूर्ति ला के स्थापित किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का 2-3 दिन कार्यक्रम चला गाइस। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से था ये नया मूर्ति, नया मंदिर गाइस। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर का नजारा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कलश यात्रा भी किया गया था गाइस। आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे कलश यात्रा किए गए थे, जहाँ की शंख नदी से पानी लाया गया और यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया गाइस। नया मंदिर का भी उद्घाटन किया गया और उसमें मंदिर में मूर्तियाँ भी सजाई गई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गाइस। पूरे रात दिन 2-3 दिन तक इसका कम से कम चला गाइस ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तो आप लोगों को देख सकते हैं इस प्रकार का नज़ारा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा था गाइस वहाँ पर का नज़ारा। चलिए आप लोग देखिए आगे का नज़ारा कैसे है। दोस्तों आज का जो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट में बताइए। और हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में गाइस। तब तक जय हिंद गाइस, बाय बाय।